ठीक है, तो बहुत बड़ी अपडेट आ रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई से, एंड मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। रोमन रेन का करेक्टर बैक करने वाला है क्या बिग डॉग? एंड गाइस हमारे पैटिंग ऑर्स आ चुके हैं समर स्लैम के सामने। तो गाइस सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप कोई भी अपडेट मेरे चैनल पे मिस ना कर सको। तो फर्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है कोडी रो डेमियन प्रीस्ट एंड हमारी बेली से। तो गाइस इनका टाइटल रेन 100 डे क्रॉस कर चुका है। कोडी रोज, डेमियन प्रीस्ट एंड बेली का टाइटल रेन जो क्रॉस हो चुका है वो 100 डेज तक हो चुका है। एंड 100 डे में तो कोडी रोड्स का तो इतना कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन डेमियन प्रीस का भी बहुत अच्छा रेन गया है एंड बेली का भी इतना खास नहीं गया रेन, मुझे नहीं लगा। लेकिन गाइस स्टोरी वाइज देखो अच्छा जाएगा रेन। तो गाइस अब डेमियन प्रीस के 100 डेज हो चुके हैं, तो क्या समर स्लैम में वो अपना टाइटल कर पाएंगे डिफेंड? तो ये अभी देखना पड़ेगा समर स्लैम में। तो गाइस बेली भी देखना पड़ेगा, बेली समर स्लैम में कर पाएगी एंड कोडी रोड्स का मुझे लगता है वो कर लेंगे, बिकॉज ऑफ रीजन कोडी रोड्स को अभी नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई हरवाने वाली आई थिंक, मुझे लग रहा है। और डेमियन ब्रिज को भी चलेगा थोड़ा लंबा। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है हमारे गाइस मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप से डाउन हो चुकी है 1.689 मिलियन, इस अराउंड ही रही है। आप जो चेक कर लो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप डाउन हो चुकी है। एंड गाइस शो अच्छा था, शो परफेक्ट था, बढ़िया था, लेकिन तब भी मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप डाउन होगी बिकॉज ऑफ रीजन। यार देखो लाइव होता है वहां पर, फर्स्ट ऑफ ऑल जब लाइव होता है तो वो एक सब्सक्रिप्शन लिया होता है नेटवर्क का यूएसए, वहां पे प्ले होता है। एंड जब वहां पे प्ले होता है तो जो लोग देखते हैं जितने टाइम जितने लोग देख रहे हैं हायर पीक पे, उस अकॉर्डिंग व्यूअरशिप निकल के आती है। जैसे मान लो 1 मिलियन लोग देख रहे हैं एक सेगमेंट को पूरे, तो उस टाइम की टॉप व्यूअरशिप निकल जाएगी एंड बाकी टाइम में लोग कम देख रहे हैं, तो वो चीज़ होती है मैटर करती है। भाई यार शो तो अच्छा था बट यूएसए के अकॉर्डिंग यार जो सोनी वहाँ पे है, मतलब सॉरी हमारे यूएसए नेटवर्क पे, उस पे लोगों ने कम वॉच किया, तो जिसके कारण व्यूअरशिप कम आई। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी बो डैलस से। गाइस बो डैलस एंड वाइट सिक्स के फर्स्ट अपडेट पर चल चुके हैं और वो होंगे जैट गेबल एंड रिक ब्रदर्स। क्योंकि गाइस बो डैलस जिस हिसाब से पागलों की तरह हंस रहे थे, जिस हिसाब से वो दिखा रहे थे, शो कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग आईवी नायल उन्हें फेस करेगी। हमारी जो है निकी क्रॉस को आईवी नायल फेस करेगी। ग्रिक ब्रदर्स फेस करने वाले हैं हमारे डेक्सटर ल्यूमिन एंड एरिक रोवन्स। एंड गाइस जड़ गेबल फेस करेंगे बो डैलस यानी अंकल हाउडी को। तो ये चीज़ होगी, बाकी वाइज ये जो है होने वाला है बहुत जल्दी। एंड गाइस बैटिंग ऑर्डर आ चुके हैं समर स्लैम के। कुंथर क्लियर फेवरेट है कि वो विन कर सकते हैं, हमारे बेली क्लियर फेवरेट है को विन कर सकती है। एंड 2-3 बैटिंग ऑर्डर्स हैं जो फेवरेट कर रहे हैं कि वो विन कर सकते हैं समर स्लैम में। तो गाइस नेक्स्ट पे जुड़ी वो जुड़ी है हमारे रोमन रेंज से। रोमन रेंज का बिग डॉग करेक्टर रिटर्न करने वाला है, फिर से आने वाला है बिग डॉग करेक्टर। तो गाइस इस पे कहा जा रहा है कि रोमन रेंज का बिग डॉग करेक्टर आ सकता है, तो यार मुझे नहीं लगता है रोमन रेंज का बिग डॉग करेक्टर आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सेकंड ऑफ ऑल उनका ट्राइबल चीफ गिमिक आएगा, बट फेस में, हाँ फेस में ही आएगा ट्राइबल चीफ गिमिक मुझे लग रहा है। एंड वही गिमिक आएगा बट फेस में होगा। एंड गाइस बिग डॉग गिमिक नहीं आने वाला मुझे तो लग रहा है, यहाँ दूर दूर तक डब्ल्यू वो गिमिक उठा के लाएगी बिग डॉग वाला जो बिल्कुल फेलियर था। एंड गाइस ट्राइबल चीफ वाला गिमिक फेस में भी हो सकता है, एक ट्राइबल चीफ अच्छा हो सकता है, एक ट्राइबल चीफ बुरा हो सकता है, तो ये चीज़ तो हो सकती है मुझे लग रहा है, यही चीज़ होगी। रोमरे आएंगे तो ट्राइबल चीफ वाला गिमिक लेके आएंगे, पुराना ट्राइबल चीफ, न्यू ट्राइबल चीफ तो सोलो स्क्वाड चल रहे हैं। तो गाइस समर स्लैम तक रोमन रेंज आ जाएंगे, क्योंकि समर स्लैम ऐसा शो है, ऐसा इवेंट है जिसे देखने के लिए, जिसमें एक्साइटमेंट भरने के लिए डब्ल्यू कुछ भी करती है। एंड रोमन रेंज समर स्लैम तक आपको आते हुए दिखेंगे। तो ये अपडेट थी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।